नमस्कार, मैं हूं मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है किला रोड स्थित, जो कि गढ़ रोड और किला रोड के बीच में गांव पड़ता है मानपुर, मुबारकपुर गांव है। और यहां पर जो मैंने देखा है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, पूरा इलाका पोस्टर से अटा हुआ है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो यहाँ धरातल पर सड़कें और जो स्ट्रीट लाइट है, जो मुख्य चीजें हैं, वो मुझे दिखाई दी हैं। हालांकि यहाँ की जनता मेरे साथ है, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके का कैंडिडेट वो चाहते हैं, किस तरीके के अपने गांव में जो वो सरकार है वो चाहते हैं। तमाम लोगों से बारी बारी से जुड़ूंगा। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, आप यहाँ के रहने वाले? जी, यहाँ के रहने वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके इस इलाके में, इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं आपके हिसाब से? हमारी समस्या यहाँ सबसे ज्यादा सड़कों की समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ पानी दूषित हो गया है, पानी की टंकी की आवश्यकता है। और जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर जोर दिया जा रहा है, इसके लिए। क्यों, आपके यहाँ स्कूल है या नहीं है? इस विद्यालय है हमारे यहाँ, इंटर कॉलेज है। दिक्कत क्या है उसमें? जो है व्यावसायिक कोर्स नहीं है उसमें, उसमें केवल शिक्षा, नॉर्मली शिक्षा है। तो आप हायर शिक्षा की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, सभी जगह गाँव में देखने को मिलता है कि अब चूंकि जो नई जनरेशन तैयार हो रही है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, अच्छे स्कूलों में पढ़ती है, लेकिन गांवों के अंदर प्राइमरी स्कूल है जो कि पूरे तरीके से बेहतर नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, हालांकि इनकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, इधर से आता हूँ, कुछ बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान जान। अच्छा, ये बताइए, आपके क्षेत्र में, आप किसान भी हैं, क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में क्या काम और होने चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या यहाँ होना चाहिए? यहाँ पर जगह जगह नल लगे हुए हैं सरकारी, क्या है नहीं है? सरकारी नल भी है, पानी का निकाल सही नहीं। अच्छा, जन समस्या है जो पानी का निकाल नहीं। जोड़ होना चाहिए। अच्छा, जो है जोड़ है उसका क्या स्थिति है? नहीं, जोड़ पर एक नहीं आता पानी, और एक आवे। अच्छा, ये शिकायत आपने कभी शिकायत की पूर्व ग्राम प्रधान से या फिर किसी अधिकारी से? अभी इस बारे में किसी से बात करी इस बारे में? हाँ, शिकायत तो हुई है। अच्छा, ये बताइए, जो इनकी बात है, यहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं है, शायद इसलिए पानी भरा हुआ है। अब ये बताइए, पूर्व प्रधान ने ये समस्या को नहीं देखा? इसको देखा, उन्हें देखा, सारी समस्या देखी, उन्होंने तो पूरे गांव को ऐसा कर दिया, नाले खड़े बिल्कुल ओके करवा रखे, पूरा विकास। हाँ, देख लिया हमने। हाँ, पूरा विकास करा, तो आप समझदार भी सारे काफी है। अच्छा, ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव चल रहा है और गांव की सरकार बननी है इसमें, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? नाली सड़क खड़े पड़े पर झोड़िया पल्ले मोहल्ले में कुआ झोड़ की सुविधा उपलब्ध है, पानी भर रहा सड़कों पर, भाई यही समस्या है यहाँ तो ज्यादा है। तो इस गांव की समस्या है, 1900 करीब वोट है यहाँ पर और 4 प्रत्याशी मैदान में है, जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है, मेरे साथ जो इस समय जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनकी कहीं ना कहीं लोग उनके साथ हैं, तो इसलिए मैं उनसे सवाल इसलिए करूंगा क्योंकि लग रहा है कि उनका जो पलड़ा है भारी है। ये बताइए, आपके गांव में 1900 वोट है, 4 कैंडिडेट हैं, विकास कार्य हो नहीं रहे हैं, आपका पहले परिचय दीजिए, फिर ये बताइए आपकी प्राथमिकताएं क्या है। सबसे तो पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम यशवीर सिंह नागर, मैं मुबारकपुर का निवासी हूँ। और सर, समस्या है तो काफी, आर्थिक स्थिति कमजोर है, ये आप रास्ता देख लीजिए, जो एक्चुअली ये रास्ता हमारे गांव की समस्या नहीं है, ये बाहर जो मेन रास्ता है, जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों की समस्या है। और पानी की सुविधा बहुत, स्थिति बहुत कमजोर है, और पानी की निकासी भी नहीं है गाँव में। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की भी थोड़ा बहुत समस्या है, जो बिजली का जो अधिकारी लोग हैं उनको, मतलब बिजली के कनेक्शन वगैरह जब दौड़ देना, बिजली का बढ़ोतरी, परेशानी करते हैं, उनकी सुविधा से निजात दिलाना। अच्छा, ये बताइए, जो परेशानी करते हैं, क्योंकि इनका कोई, आप लोगों का, गांव वालों का, सबका कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो अधिकारी से जाकर मिले, बताए कि भाई इस तरीके से यहाँ किसान लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं। हम इसलिए मैदान में आए कि शिक्षित लोग, युवा लोग प्रधानी के चुनाव में इसमें उतरे और आगे तक बात पहुंचाए, अधिकारी लोगों तक अपनी डिमांड रखें। अच्छा, आपकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आपने तीनों पे बात कर ली। अच्छा, मुझे ये बताइए, पूर्व के जो प्रधान थे, आपकी नजरों में ऐसे क्या काम रह गए हैं जो नहीं करा पाए, जो आप कराना चाहते हैं? नहीं करा, उन्होंने अपने समय में अच्छा करा, हम अपने समय में अच्छा करेंगे, वो अपने समय में उन्होंने अच्छा कर दिया, और हम सोच रहे हैं उनसे कुछ, अपने समय में उनसे कुछ बेटर करें। लेकिन यहाँ के जो ग्रामवासी है उनकी अपेक्षाएं आपसे बहुत है, ये लोग कह रहे हैं तंज कस रहे हैं, उन्होंने क्या कराया है, सब लोगों ने देखा है, आप क्या कराएंगे? ऐसा तो नहीं 5 साल बाद आप पे तंज आ जाए? नहीं नहीं, वो तो सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद रहा, तो इन सभी ग्रामवासियों को दिख जाएगा, सब लग जाएगा क्या क्या। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप इसी इनके बड़े भाई भी हैं, गार्जियंस हैं, एज ए गार्जियंस,
आप इनको शिक्षा भी देते होंगे, बताते होंगे कि किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से काम करना है, और आप खुद इस समय मैदान में उतरे हुए हैं, दिन रात एक ही हुए हैं। मुझे बताइए, आपकी नज़रों में आपके गांव में आप डोर टू डोर घूम रहे हैं, ऐसे क्या काम हैं जो आप आपका परिवार करना चाहता है? पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूँ और आपको भी, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ तक हमारे लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो गाँव मुबारकपुर है, इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए कि यहाँ मुबारकपुर एक गाँव है, जो अखबार में भी आए तो सुनहरे अक्षर में लिखा जाए, एक फेमस गांव बन जाए मेरा, और मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, मैंने आपके गांव में घूमा, आपके गांव का नाम है, बहुत अच्छा नाम है मुबारकपुर, ठीक है, लेकिन यहाँ की सड़कें मुबारक नहीं है, यहाँ की स्ट्रीट लाइट मुबारक नहीं है, यहाँ की जो समस्याएं हैं किसानों के लिए वो मुबारक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बिजली के कर्मचारी संविदा कर्मी आते हैं वो प्रताड़ित करते हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामवासी कहाँ जाएं, बिजली घर जाएंगे, वहाँ वही लोग बैठे हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उच्च अधिकारी के पास कौन जाएगा? आप क्या करना चाहते हैं? उच्च अधिकारी के पास सर हम जाएंगे, हम सब धरना धरेंगे वहाँ पर, ऐसा जो अब तक हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब क्या बात, अब अगर आने वाले समय में ऐसा कोई नहीं होने, तो बिल्कुल लाइट की व्यवस्था बहुत, लेकिन लाइट की व्यवस्था तो है लेकिन प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, गाँव में खम्भों पर वगैरह में कोई लाइट नहीं है, इसके लिए इसलिए इस चीज़ से गांव वालों को निजात दिलाया जाएगा। अच्छा, गांव के अंदर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है ये कह रहे हैं। अच्छा, बताइए, क्या आपको नहीं लगता गांव में अगर अंधेरा होता है तो कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं, चोरी चकारी की, जो बहन बेटी निकलती है उसके चीटा कसी, छेड़छाड़, ये जो छोटा छोटा क्राइम है, ये कहीं ना कहीं प्रकाश की व्यवस्था ना होने के चलते बढ़ता है, आपको नहीं लगता ये व्यवस्था होनी चाहिए थी? बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, और मेरा तो मानना ये है प्रधान जो है शिक्षित हो, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नीति ग्राम पंचायत के लिए चलाए जा रहे हैं, शिक्षित अगर प्रधान होगा, और तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की इतनी काफ़ी योजनाएं चलाई हुई हैं जो सभी ग्रामवासियों को किसानवासियों को प्रधान प्रयास करने के बाद में उन्हें दिला सकता है उसका लाभ। अच्छा, आप मुझे लग रहा है यहाँ इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, ये बताइए यहाँ पर जो OTS योजना चल रही थी, यानी प्रधानमंत्री की जो एक शौचालय योजना थी, क्या गांव वालों को उन शौचालय का लाभ मिल पाया, बने नहीं बने? शौचालय को लाभ मिला है, गांव वालों को मिला है, जो काफ़ी के बने हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी लाभ नहीं, कुछ तो थोड़े बहुत ही हैं जो हैं, लेकिन ज़्यादातर 80-90% लाभ मिला है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ किसी को आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई आवास की व्यवस्था की गई हो? नहीं, आवास की व्यवस्था तो कोई नहीं की गई, लेकिन आवाज आने वाले समय में पूरा इसमें जोड़ दिया जा रहा है कि आने वाले समय में गांव में जो गरीब स्थिति के लोग हैं उनका आवास की व्यवस्था करी जाए। जो पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, उनकी कभी मिली नहीं मिली, आप क्या करेंगे इसको? पेंशन जैसे ज्यादा ये जो रहेगा, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी जिनकी पेंशन, उनको पेंशन दिलाए हम उसमें। तो बिल्कुल सभी प्रत्याशियों की तरह इनके भी अपने वादे हैं, दावे हैं, इनका साफ कहना है कि जो व्यवस्थाएं की जानी थी वो जो नहीं हो पाई उनको करेंगे, और आने वाले समय में विकास कार्य करेंगे, क्योंकि हम भी इनसे पिछले अब आने वाले समय में पूछेंगे अगर ये प्रधानमंत्री हैं कि इन्होंने क्या कुछ वादे किए थे और क्या काम धरातल पर किया, इन्हीं जनता से जानने की कोशिश करेंगे, और इनसे पूछेंगे कि आखिर ये लोग सर्टिफाइज हुए या नहीं हुए। फिलहाल मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं और यहाँ के, मुझे लगता है यहाँ इधर आइए, मुझे लगता है प्रत्याशी के पिता हैं। अब मुझे ये बताइए, आपके बेटे चुनावी मैदान में हैं, पहले तो अपना परिचय दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा आपने इनको क्या कुछ सिखाया, क्योंकि मुझे जो लगता है पुराने प्रधान के मुकाबले उन्होंने शायद यहाँ कुछ नहीं कराया, आम जनता नाराज है, इनको आपने क्या ऐसे गुरु दिए हैं जो ये काम करने के लिए तैयार है, और करेंगे या नहीं करेंगे आप मुझे बताइए? काम करने के लिए हमने ये कहा था जी, पहली बात मुझे बोला नहीं जा रहा, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, काम करने के लिए पहले तो जो बंगलों में है पानी बहुत परेशानी है, वो कराना है। हाँ जी, बहुत बड़ी परेशानी है, पहले शहर में झोर की बहुत परेशानी है उधर। अच्छा, फिर उसकी जो बरात आता मैं उनके रुकने के लिए हूँ, दिक्कत है ये तो ऐसे बना रहा था। आप इनके बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो ये लोग काम को कह रहे हैं, जो प्रत्याशी एज ए प्रत्याशी, मैं फिर जब अगर आप जीतते हैं, भगवान अगर आपको जिताता है, तो मैं आकर पूछूंगा जो आपने मुझे काम गिनाए हैं, जनता से पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर पैसा होगा करेंगे, जो बिल्कुल आएगा पैसा, मोदी जी की सरकार आएगी तो बिल्कुल करेंगे, पक्का करेंगे, बिल्कुल वो नहीं करना, इससे हमें महल नहीं बनाना, गांव की तरक्की करनी है, वो कुछ नहीं, नाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने लड़ रहे कि हम किसमें रहीस बने के कोई यूज नहीं है, दाल रोटी कमी नहीं है, बस काम में काम करना है, बस।
इस परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि इनको ना तो पैसे की आवश्यकता है, सामाजिक आदमी है और ये केवल विकास कार्य कराना चाहते हैं। चूंकि हमने भी इनसे कहा है कि अगर ये कराएंगे तो हम आकर के पूछेंगे, नहीं कराएंगे तो पूछेंगे, और जनता से भी पूछेंगे कि आखिर जो जनता चाहती थी वो काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में ऊपर वाला किसको तो इस सरकार का मुखिया बनाता है। चूंकि गांव की सरकार का मुखिया बनना अभी 2-4 दिन के बाद ही तय हो जाएगा, और कौन रह जाता है। अब फिलहाल अपने सहयोगी अली के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।